फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। उद्योग जगत के अधिकारियों का कहना है कि कारोबारियों द्वारा बेंचमार्क यूएस फ्यूचर्स पर भारी प्रीमियम लेने के कारण कपास का निर्यात कम होना शुरू हो गया है। स्थानीय कपड़ा मिलों की ओर से मजबूत मांग और उत्पादन कम रहने की उम्मीद के बीच ऐसा हो रहा है। विश्व के सबसे बड़े कपास उत्पादक भारत द्वारा ज्यादा प्रीमियम मांगने से बांग्लादेश, वियतनाम और चीन जैसे एशियाई खरीदार, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकी देशों जैसे अन्य आपूर्तिकर्ताओं से खरीद बढ़ाने को बाध्य हो सकते हैं। वैश्विक ट्रेडिंग फर्मों के डीलरों ने कहा है कि भारत के कपास की पेशकश जनवरी और फरवरी की शिपमेंट के लिए बांग्लादेश के खरीदारों को 135 सेंट प्रति एलबी के भाव के करीब की जा रही है, जो यूएस फ्यूचर्स से करीब 20 सेंट ज्यादा है। सामान्यतः भारत यूएस फ्यूचर्स पर 5 से 10 सेंट्स प्रति पाउंड प्रीमियम लेता है। रिकॉर्ड घरेलू कीमतें 30 सितंबर को समाप्त होने वाले 2021-22 विपणन वर्ष में निर्यात को प्रभावित कर सकती है। अनुमान लगाया गया है कि खरीदारों द्वारा प्रतिस्पर्धी आपूर्तिकर्ताओं का रुख करने के कारण भारत इस साल महज 40 लाख गांठ निर्यात करेगा, जबकि पिछले साल 78 लाख गांठ का निर्यात हुआ था। डीलरों ने कहा है कि भारतीय मिलों ने अब तक इस सीजन में 18 लाख गांठ का निर्यात किया है और जनवरी फरवरी में 10 लाख गांठ का निर्यात और हो सकता है। बांग्लादेश के कुछ खरीदार ही भारतीय कपास के लिए ज्यादा कीमत दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें तत्काल इसकी जरूरत है और वे सुनिश्चित डिलीवरी चाहते हैं। भारत से बांग्लादेश भेजा जाने वाला करीब आधा कपास भूमार्ग से जाता है, जिससे प्रतिस्पर्धी आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में शिपमेंट ज्यादा विश्वसनीय हो जाता है। बांग्लादेश अमेरिका से भी कपास खरीदता है, लेकिन अमेरिकी कपास की फसल मार्च के बाद ही उपलब्ध हो सकेगी और समय से माल आने की कोई गारंटी भी नहीं है, क्योंकि कोविड-19 की नई लहर के कारण मजदूरों की कमी हो गई है। भारत का कपास उत्पादन 2021-22 विपणन वर्ष में 340 लाख गांठ घट सकता है, जो एक साल पहले की तुलना में करीब 4% कम है। कम उत्पादन का असर हाजिर बाजारों में दिख रहा है और रोजाना कारोबार की मात्रा घटकर 1,75,000 गांठ के करीब है, जबकि सामान्यतः साल के इन महीनों में 2,50,000 गांठ का कारोबार होता है। किसानों को पता है कि फसल कम है, भविष्य में दाम बढ़ने के अनुमान से वे धीरे धीरे स्टॉक जारी कर रहे हैं। भारत की स्पिनिंग मिलें आक्रामक रूप से कच्ची कपास खरीद रहे हैं, क्योंकि यार्न की निर्यात मांग ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।